और सलाम वालेकुम, नमस्कार और सत श्री अकाल आदाब। मैं हूं आपका दोस्त जीत ठाकुर और मेरा चैनल का नाम है किंग्स पिजन। और बारी आ गई भाई देवबंदी कबूतरों की, जो कि पीली और सफ़ेद आँख में है। अभी फिलहाल काली आँख में भी है, एक पट्टा है, लेकिन इसमें ये देखिए पट्टा, मतलब वो अभी शायद मादिन बन गया है बड़ी, तो वो भी है इसमें। और ये देवबंदी कबूतर हैं, इसमें लगभग 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, मतलब 8 पेयर हैं ये देवबंदी के। और बहुत ही शानदार कबूतर हैं सारे, ये देख लीजिए भाई, ये देवबंदी कबूतर है या नहीं आप ही बताइए। और हाथ में पकड़ के भी दिखाएंगे आप, बिल्कुल थोड़ा सब्र रखिए। सारे कबूतरों को हाथ में पकड़ के दिखाने वाले हैं हम आपको। और ये भी मुजफ्फरनगर के ही कबूतर हैं, मुजफ्फरनगर से लगभग 20 किलोमीटर आगे पड़ता है देवबंद, लेकिन देवबंद में भी ये क्वालिटी नहीं बची भाई। अभी देवबंद में भी बहुत कम बचे हुए हैं ये कबूतर। और देवबंद से बहुत सारे लोग यहीं से इसी छत से कबूतर ले जाते हैं देवबंद में, और बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, उनके नाम भी आपने सुने हुए हैं, यूट्यूब पे आपने उनकी वीडियो भी देखी हुई है। वो सारे कबूतर, सारों में से लगभग आधे कबूतर यहीं से गए हुए हैं। और बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों को एक साथ 150-200 देवबंदी कबूतर इस छत से गए हुए हैं। कुछ मेरठ गए, कुछ गए देवबंद। तो अभी आपको ये देवबंदी कबूतर दिखा रहे हैं, जो कि पीली सफ़ेद और काली आँख में अवेलेबल है और सारे सेल के लिए अवेलेबल है। बहुत ही शानदार कबूतर है। तो ये देखिए भाई देवबंदी कबूतर, अभी यहाँ आपको समझ में आएगी कजराली आँख इनकी, छाँव में इनकी आँखें चमकती हैं कजराली, तो समझ में आता है कि हाँ भाई ये देवबंदी कबूतर है। और ये देख लीजिए आप, बताइए भाई ये देवबंदी है या नहीं है। और ये कबूतरों का रेट थोड़ा आपको हाई मिलेगा, देवबंदी कबूतर है इसके लिए। एक साथ अगर कोई ले रहा है तो भाई 5,000 रुपीज़ पर पेयर के हिसाब से मिल सकता है। इंडिविजुअली लेंगे तो 7,000-8,000 का एक पेयर मिलता है भाई। देवबंद में भी कबूतरों की यही प्राइस है। और ये देखिए जर्चा जो सामने खड़ा हुआ है, क्या इसकी आंखें चमक रही है भाई। ये देवबंदी कबूतर बहुत ही शानदार है, ये देखिए क्या बात है, ये देखिए भाई। ये सारे देवबंदी कबूतर, इनके माँ बाप की भी, इनकी जो जहाँ से इनका वंश चला है, इनके माँ बाप सारे कबूतरों की शूट की हुई है भाई। वो शौक भी आपको कराएंगे, उन्हीं के ये बच्चे हैं जो सेल के लिए अवेलेबल है। तो ये सारे कबूतर आपको मिल सकते हैं भाई बहुत ही अच्छे दाम में। और इनकी उड़ान के बारे में भाई, 2 दिन ही उड़ान इनकी होती है भाई। इन कबूतरों की उड़ान 2-2 दिन में भी कम्प्लीट नहीं करते हैं कबूतर अपनी उड़ान। इस तरह के कुछ कबूतर हैं, तो बहुत ही शानदार वजूद के कबूतर हैं, ये देख लीजिए आप। और देवबंदी कबूतर दिखा रहे हैं आपको, पीली सफ़ेद और काली आँख में भी एक है फिलहाल अभी अवेलेबल यहाँ पर, क्योंकि भी बहुत बच्चा है। तो आपको शो कराते हैं कुछ कबूतरों का। तो भाई ये देख लीजिए भाई, अच्छे देवबंदी कबूतर सबसे पहले दिखा रहे हैं आपको, क्या बात है, बहुत ही शानदार कबूतर है। नर की आँख दिखाते हैं आपको, आँख में कजराली आँखें इनकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है भाई, वही दिखाते हैं आपको सबसे पहले। ये देखिए भाई इनकी आँखें, ये देखिए इनकी कजराली आँखें, तो ये पट्टों में से निकले हुए बड़ा पेड़ बना है अभी, और इनकी आँखें डार्क करेंगी। पिलंके कबूतरों में जिनकी आँख पीली होती है, उनके ऊपर काली जो परत होती है वो कम नज़र आती है, क्योंकि आँख पीली होने के कारण। लेकिन जो बड़े कबूतर जो वाइट आंखों में कबूतर होते हैं, उनमें बिल्कुल साफ नज़र आती है, वो भी दिखाएंगे आपको। ठीक है भाई, इसके पंख दिखाइए ज़रा खुलते सर, क्या बात है, बहुत बढ़िया, पंजे दिखाइए इसके, ये देखिए पंजे थोड़े कंधे हो रखे हैं अभी, सारे कबूतर सिंगल सिंगल पड़े हुए हैं इसके लिए। ये देख लीजिए भाई पहले कबूतर, कहीं सर इसकी अभी थोड़ा ऊपर पकड़िए इसको, हाँ क्या बात है, ये इसके पंख दिखाइए सर, पंजे दिखा दीजिए,
ये देखिए भाई, ये भी देवबंदियों में ये नस्ल बनाई हुई है भाई ने, कलसरे कबूतर डाल के क्रॉस करके। इनकी रिज़ल्ट, इनकी आँखों को, आँखों में मेल की आँखों में थोड़ी आपको कालिश कमी लगेगी, लेकिन जो मादी है उसकी आँख देख लीजिए आप भाई, बिल्कुल काली है, काली जो पलके होती है वो होती है इनमें, वही बात है इनकी कचराली आँख जो बोलते हैं हम लोग। और इन्होंने ये ब्रीड बना के भाई बहुत अच्छा इन्वेंशन किया है, दो दिन ही उड़ान कर दी इन कबूतरों की। ये देखिए भाई कबूतर, और ये इनके जो लोकल ब्रीड जो कलसरे मैंने दिखाया था इससे पहले वाली वीडियो में, ये उनसे क्रॉस करके उन्होंने ये ब्रीड बनाई है, और इनकी उड़ान और ज़्यादा बढ़ा दी इन्होंने। क्या बात है, बहुत शानदार, बहुत शानदार। छोड़ दीजिए इसको, ये देखिए भाई, ये एक और नर दिखा रहे हैं आपको। ये मादी है, अच्छा अभी जो जो नर छोड़ा उसकी, क्या बात है, बहुत शानदार। इनका कलर ही इनकी खूबसूरती भाई, ये देखिए किस तरह से चमक रहे हैं इनके गंडे ये। और एक काली आंखों वाले देवबंदियों का शौक कीजिए भाई आप, ये देखिए काली आंखों में ये अभी पट्टा ही है, ये शायद ये मादी बनी है बड़े होकर। पर खूबसूरती इनके भाई अभी और ज़्यादा इसकी खूबसूरती बढ़ेगी, अभी तो पट्टा है। और ये इनके माँ बाप भाई 17, 50, और 60 हज़ार रुपये में मांगे गए। लास्ट कितने लगे थे इनके माँ बाप के काली आँखों वाले को? 75,000 रुपये। तब भी यहाँ से कबूतर गए नहीं भाई इन माँ बाप, उनके बच्चे आपको मिल रहे हैं यहाँ पे। छोड़ दीजिए सुरमई आँखों वाला बारीक तिल, क्या बात है, ये बारीक तिल, ओहो हो हो, क्या बात है, लाल जर्रात वाला थोड़ा नीचे कीजिए, क्या बात है, बहुत शानदार। तो भाई जो कोई लेना चाहता है भाई इन कबूतरों को, ज़रूर फ़ोन कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिल जाएंगे, प्राइस रेंज भी मैंने आपको बता दी है। जो भाई जेन्युइन बायर है वही कॉल कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।